तो पता चलना चाहिए ना भाई कि इंडिया से गाड़ी चलते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इतने देशों को कवर करते हुए। सोचो 7 से 8 लोग 2 घंटे में पूरा चमका हमारा गाड़ी को। जैसे कि मैंने बताया भाई, चाइना से अपना रूट निकल रहा है तो बर्फ मिलेगी, तो वहाँ के गाइड ने बोला स्नो चैन जरूर कैरी करना। बाकी नमस्ते तो अपना फेमस हो ही रहा है भाई पूरे वर्ल्ड में, और अपना तिरंगा भी मस्त है ना। ये देखो भाई, ये वो प्रोडक्ट था जिसने हमें पूरी ट्रिप में ना परेशान किया खोने की वजह से। देखो भाई ये चेन आ गई है कुछ इस तरह से है, बहुत भारी है ये, एक टायर की है चेन। तो भैया अभी लगा रहे हैं, एक बार लगा के पहले चेक करते हैं। बट बाय चांस किसी दिन मैं जा रहा हूँ और कोई रुकवाता है, और मुझे लगता है सब्सक्राइबर है कि फोटो के लिए रुकवा रहा है, और मैं रुक जाता हूँ, और एक्चुअल में वो रुकने वाला नहीं। एक बार ये क्रेटा हट जाए भाई, उसके बाद अपनी गाड़ी जो है वो निकल जाएगी। ये खड़ी जी शेल्टर के नीचे, मिट्टी बहुत है भाई गुड़गांव में उड़ती है, तो जितना भी साफ कर लो गाड़ी को लगी जाती है। तो आज भाई इसमें काम करवाना है, एक जो हमने इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड लिखवाया था वो प्रेशर वॉश लगने की वजह से उतर गया था, तो अब इसको वापस से लगवाना है। रैप्टर वाले भैया ने प्रिंट आउट तो निकाल के ले आए थे कल, अब इसमें फिट कर मतलब चिपकवाना है, वो मैं देखता हूँ कहीं से जाके। और दूसरा ये जो टेल लैम्प है ना, ये भाई बिल्कुल ही जेट ब्लैक हो गए गलती से। हमने कहा था इस पे पीपीएफ या हल्का सा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, बट ये बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो गया, इसलिए इसको हटवा के इसकी जगह पीपीएफ चढ़वाऊंगा डिटेलिंग बुल से। और उसके बाद भाई स्पेशली इसका इंटीरियर क्लीन करवाना है, ये ड्राई क्लीन होगा, देखो कितना गंदा हो रहा है, इसकी रूफ सीटें ये सब कुछ जो है चमकवा देना है भाई बिल्कुल, ताकि ना मतलब ट्रिप से पहले चमकती हुई गाड़ी लेकर जाए। और बाहर से तो वॉशिंग हो ही जाएगी अपनी, मस्त काम हो जाएगा ना फिर उसके बाद। तो चलो ये अपनी एविएटर खड़ी हुई है भाई, चलती है ये, मैं इसको बेचता नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा ना फर्स्ट स्कूटर था ये, तो मैं कभी बेचना नहीं चाहता इसे। बाकी ये अपनी थार खड़ी है, इसकी भी थोड़ी हालत ऐसी हो रही है गंदगी में, पता नहीं यार समझ नहीं आ रहा बेचूं ना बेचूं, मतलब बेचना चाहता हूं पर मन सा नहीं करता अंदर से, कोई डील या ऑफर आती है तो पता नहीं मैं डिले कर देता हूं चीज। निकाल लोगे? भैया अच्छा आ रहे, चलो ठीक है मैं बैठू अंदर। निकलते हैं भाई लेके इसे, आज काम बहुत है, ऑलरेडी शाम हो गई है, शाम क्या दोपहर ही हुई है बस, तो फिर काम निपटाना है जल्दी जल्दी, बस स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है ना भाई, दिक्कत आएगी, इंडिया में तो नहीं बट चाइना में दिक्कत आएगी, जब भाई सब -10 -15 डिग्री टेम्परेचर होगा ना, ओ हो सुबह स्टार्ट करने में दिक्कत हो सकती है। बट भाई कॉन्टेंट नेक्स्ट लेवल आएगा, यूट्यूब पे ना किसी ने बनाया है अभी तक, हम बनाएंगे, तो हमें तो मजा आने ही वाला है, आपको भी बहुत मजा आएगा देखना। पहले मैं गाड़ी निकलवा लूं भाई, ठोकना तो नहीं। चलो जी अपना काम शुरू हो गया है, इंडिया ये हटाओगे ना इंडिया भी है ना? हाँ ठीक है, हटा के पूरा इतना पूरा ही करो नया, क्योंकि स्टिकर तो प्रिंट वो ले आए थे ना, बस लगवाना है मुझे, तो भैया इतने काम कर रहे हैं इसका। चलो जी लग गया है, बस अब इस बार ध्यान देना डिटेलिंग बुल में, जब भी इसकी वॉशिंग होगी ना तो इस पे प्रेशर वॉश ना डले, क्योंकि 1-2 दिन तक ना ही हो तो जब ही सही है, जब ही सूखेगा, ऊपर से अब तो धूप वूप भी ज्यादा निकलती नहीं है ना, तो सूख नहीं पाता, तो वॉशिंग करवाएंगे लेकिन ऊपर ऊपर से करवा लेंगे, यहाँ पे ना मारे कोई भी वाइपर, तभी सही रहेगा। बाकी भाई ये चीज जरूरी है किसी भी कंट्री में जाने से पहले, डीजल फ्यूल ओनली ना टैंक पे लिखवा लो, क्योंकि कभी कभी हम वीडियो बना रहे होते स्टेशन पे ध्यान नहीं देते और बंदा जो है वो पेट्रोल डाल देता है। अब यूरोप और यूके में तो क्या था, खुद से डालना पड़ता था तो टेंशन नहीं थी, बट इन देशों में क्या है वहाँ पे लोग होते हैं पेट्रोल पंप पे, तो ये लिख दो तो ज्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे टैंक के ऊपर लगवा लिए जस्ट, ताकि जब भी कोई भरने लगे उसे सीधा दिख जाए छूटते ही कि डीजल फ्यूल ओनली, और कुछ नहीं डालना, डीजल ही डालना है भाई, काम हो गया। बाकी इस बार स्पॉन्सर अपने हैं नहीं इतने खास, तो मैं सोच रहा हूँ ना ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ कुछ स्टिकर भैया को प्रिंट के लिए दे दूं, और भैया कल तक प्रिंट कर देंगे, फिर ये वाला जो पैनल है ना वो स्टिकर से भर दूं, है ना, कैसा आइडिया बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मस्त हो जाएगा भाई, ऊपर से लेके ये पूरा पैनल ऐसे स्टिकर ही स्टिकर, कहीं पे सूटकेस, कहीं पे गाड़ी, कहीं पे लद्दाख के पहाड़, समझ रहे हो ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जिन जिन कंट्रीज में हम जा रहे हैं उनका कुछ कुछ स्पेशली चीज उठा ले, जैसे चाइना में माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप आएगा तो माउंट एवरेस्ट बनवा ले छोटा सा, थाईलैंड में बनवा ले वोल्केनो बनवा ले इंडोनेशिया का, तो आइडिया बताना मुझे क्या करा जाए, उस हिसाब से कुछ प्लान करते हैं भाई। बाकी भैया ने इंडिया वाला भी कर दिया यार, ये ना मैट वाला प्लास्टिक पार्ट है इसलिए बहुत आसानी से ना उखड़ रहा है सब कुछ, पर वही है वॉशिंग नहीं करवाएंगे तो टिक जाएगा, पिछली बार भी 5 महीने तक चिपक गया था। चलो जी अब आ रही है ना भाई गाड़ी की लुक, पीछे से पूरा कोई भी पड़ेगा ना इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अच्छे से दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में भी राइट में भी हर जगह पे लिखवा दिया, पीछे से देखेगा देखो पीछे से, लेफ्ट से देखेगा कोई तो यहाँ भी लिखवा दिया इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड, सेम उस साइड भी लिखवा दिया, और फ्रंट में तो बोनट पे भाई इतना बड़ा बड़ा अक्षरों में है ही,
मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो भाई कितना बड़ा है, और वेक्टर आर्ट भी है मेरा, साथ में अपना स्कैनर भी लगवा लिया मैंने, ताकि किसी को भी मेरे चैनल वैनल देखने हो तो स्कैन करे और सीधा डन हो जाए। ओह फ्रंट में तो दो जगह है देखो, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वायर, और शीशे के ऊपर भी है और बोनेट पे भी है, क्योंकि जब कोई चलती गाड़ी से देखेगा ना तो उसे बोनेट का टॉप साइड ढंग से नहीं दिखेगा, बट वो शीशे वाला एरिया अच्छे से दिख जाएगा। तो पता चलना चाहिए ना भाई कि इंडिया से गाड़ी चलते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इतने देशों को कवर करते हुए। बाकी नमस्ते तो अपना फेमस हो ही रहा है भाई पूरे वर्ल्ड में, और अपना तिरंगा भी मस्त है ना। चलो भाई यहाँ का अपना काम सारा डन हो गया है, अब चलते हैं जल्दी जल्दी डिटेलिंग बोल। और ये जो इतनी गंदी हो रही है गड्डी साड़ी, इसको चमकवाते हैं। एक्चुअल में शायद मैं गाड़ी को छोड़ के ही आ जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे रात भर गाड़ी का काम तो कुछ है नहीं, अपना कर लेंगे वो आराम से। रस्ते से भाई एक मैंगो शेक भी पकड़ लिया, पीता पीता जाऊंगा, थोड़ा मस्त मजा आ जाएगा। आहा ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है, 9-10 किलोमीटर है यहाँ से, बट लगेंगे आधा पौना घंटा। लो जी लो ये आ गया है डिटेलिंग गुरुग्राम। ऑलमोस्ट भाई 6 महीने बाद आ रहा हूँ मैं लगभग, हाँ 5-6 महीने तो हो ही गए। चलो इस टाइम पे खाली है भाई, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा अपना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टाइम की है बहुत कमी, सिर्फ 1-2 दिन रह गए हैं निकलने के लिए, तो जल्दी जल्दी खिंचवाना है ना सब कुछ, इसलिए अंदर ही खींच देते हैं गाड़ी को। अरे ये तो शीशे वीशे लगा दिए। वॉशिंग तो हो गई भाई गाड़ी की, मस्त चमक गई है, हालांकि रैप तो नए ही है, बट टायर वायर अच्छे से चमक गए, अभी इस पे पॉलिश भी कर देंगे। मेन है भाई इंटीरियर क्लीन करवाना है, क्योंकि इंटीरियर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, सीटें ले लो, ये मैट्स ले लो, ये एरिया ले लो, गद्दा ले लो, तो अभी सब क्लीन होएगा, और साथ ही साथ में इसमें लेदर कोटिंग भी हो जाएगी, तो उससे और बढ़िया हो जाएगा काम। और रूफ में भी ना कहीं कहीं जगहों पे दाग लगे पड़े हैं, तो ये रूफ पे देख लेना, जैसे ये काले काले है ना, ये सनरूफ का पूरा, ये अच्छे से साफ हो जाए, चमक जाएगी बिल्कुल। और अभी वॉशिंग करवा रहे थे तो अचानक से याद आ ही गया एकदम कि ये भी हटवा के ना वो लगवानी है स्मोक वाली ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये ज्यादा हो गई थी, तो ये सारे काम अभी हो जाएंगे फटाफट। अब देखो वॉशिंग में नहीं उतरी ना ये, क्योंकि इस पे प्रेशर नहीं लगवाया ना ही कपड़ा लगवाया, तो आराम से टिक गई, कोई दिक्कत नहीं। सारा सामान निकाल के यहाँ रख दिया, ये अपने सारे स्पेयर पार्ट्स जो लिए हमने महिंद्रा से, अभी मैंने इनको ना सेट नहीं किया वो जो स्टोरेज बॉक्सेस है ना, क्योंकि उनकी अच्छे से क्लीनिंग होनी है, उनको भी खुलवा के डीप पूरा वैक्यूम क्लीनर मरवा दूंगा, पानी तो नहीं मरवा सकते लकड़ी का, क्योंकि तो एक बार जब वैक्यूम क्लीनर से पूरा साफ हो जाएगा ना, उसके बाद ये सारा सामान मैं अपनी गाड़ी के अंदर फिट कर लूंगा, क्योंकि अब ये गाड़ी ना सिर्फ और सिर्फ बिमरा 4x4 पे जानी है, और वो भी किस लिए, एक तो जो हमारा ऊपर का जेरी कैन था उसका माउंट खो गया था ईरान में, वो मुझे बनवाना है वापिस से, वो कह रहे थे कि मैं बनवा के रखूंगा, बस आप आ जाना और हम फिट करके सेट करके देख लेंगे। और दूसरा भाई स्नो चेन्स उठानी है वहां से, क्योंकि आपको पता ही है चाइना होते हुए हम निकल रहे हैं, और पूरा दिसंबर का पीक सर्दियों का टाइम है, तो बर्फ ही बर्फ हो सकता है कई पासिस पे उनके मिले, जैसे अपने लेह लद्दाख है वैसे वहां के भी बहुत ऊंचे ऊंचे पासिस हैं, तो वहां पे स्नो चेन की जरूरत पड़ेगी, तो हम रख के ले जा रहे हैं चारों टायर की, नहीं पड़ेगी जरूरत तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो N जो है 4x4 है भाई प्रॉपर, तो दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, बट स्टिल हमारे जो चाइना के एजेंट है उन्होंने कहा है कि स्नो चेन कैरी कर लेना, तो बिमरा में मैंने फोन करा था बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है जी हो जाएगा आप आ जाओ, तो आज तो नहीं कल जाएंगे, अब सुबह सुबह आप तो इसी ब्लॉग में देखोगे शायद से वो, और फिर पैकिंग वैकिंग करेंगे भाई गाड़ी की, बहुत एक्साइटमेंट ना अंदर से निकल रही है, हालांकि टाइम कम है काम ज्यादा है तो एंग्जाइटी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, पर ठीक है हो जाएगा मैनेज कोई गल नहीं, वीडियो धमाकेदार आएगी। मैट तो वैसे तो अपने नए थे भाई, अभी अभी करोल बाग से लगवाए थे, बट स्टिल गंदे हो गए थे कल के इवेंट में, क्योंकि काफी लोग चढ़ रहे थे उतर रहे थे तो मिट्टी चढ़ रही थी वहाँ ग्राउंड में से, इसलिए अब अच्छे से इसको भी चमका के टिच कर लिया। और यहाँ हो रही है जी इंटीरियर की क्लीनिंग, ये चल रहा है वैक्यूम क्लीनर। ऑलमोस्ट
भाई 90% काम हो गया है, भूख लग रही थी तो वही अपना फेवरेट वड़ा पाव ऑर्डर कर दिया। ठीक है भाई, हल्का फुल्का सा रहता है, पेट भी खराब नहीं होता इससे, हल्की हेल्दी तो नहीं कह सकते शायद से, क्योंकि वड़ा जो होता है वो तला होता है तो हेल्दी नहीं है प्रॉपरली, बट हाँ गंद वाला खाने से तो अच्छा ही है। वड़ा पाव खा लो बढ़िया, सस्ता का सस्ता, मस्त एकदम। पेट पूजा करूँ, बहुत तेज भूख लग रही है, 2.5 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, 2 घंटे तो हो ही गए भाई, बट चमक रही है गाड़ी, भी दिखाऊंगा अच्छे से। तो जी सारी सीटों पे अपनी लेदर कोटिंग वापिस से हो गई है, हालांकि एक बार मैंने पहले भी करवा रखी थी, तो लेदर कोटिंग से क्या होता है ना, क्रैक्स नहीं पड़ते लेदर में लॉन्ग टर्म यूज में। हालांकि अपनी गाड़ी तो अभी 1 साल भी नहीं हुए, पुरानी हुए, बट फिर भी अब पूरी हो रही थी, मैंने कहा एक बार और कर दो, 4-5 महीने अब चलेगी ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। पीछे वाली सीट तो खैर कम ही यूज होती है, गद्दा है, आगे की दोनों सीटें यूज होती है। और ये देखो भाई पूरा चमक गया ये वाला ब्राउन वाला पार्ट जो था, ये देखो ओए, और रूफ हो गई क्लियर। ये देखो भाई यहाँ पे काला काले दाग लगे हुए थे, सारे के सारे हट गए हैं, एकदम मस्त चमक गई है। 2-2.5 घंटे लग के, वो भी 7 से 8 लोगों ने, सोचो 7 से 8 लोग 2 घंटे में पूरा चमका हमारा गाड़ी को। अभी इसमें शीशों में हो रही है सेरेमिक कोटिंग, क्योंकि देखो गाड़ी पे तो PPF भी है मेरे और उसके ऊपर रैप भी है, बट जो शीशे होते हैं ना उसमें क्या है ना, रैप करवा सकते हैं आप ना वो लगवा सकते हैं अपना PPF, तो उसके लिए होती है सेरेमिक कोटिंग की। जब भी कोई पानी की बूंदे टपकती है ना तो वो बूंदे रुकती नहीं है, वो सीधा स्लाइड डाउन हो जाती है, हवा से उड़ जाती है। ऑलरेडी सेरेमिक कोटिंग हो रखी है एक बार शीशे पे, बट अब फिर से करवा लेते हैं भाई, 5 महीने हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा वो स्मोक हटा देना, वो सॉरी ये स्मोक लगवाना है, हाँ इसकी जगह स्मोक वाली करनी है जो ट्रांसपेरेंट हो थोड़ी सी, मतलब लाइट पूरी ना छुपे बट हल्की सी स्मोक हो जाए, ठीक है। बाकी तो हो ही गया ऑलमोस्ट काम भाई। अच्छा हाँ, मेरे अलॉय व्हील्स मैंने आपको बताया ना भाई, है तो कंपनी फिटेड जो स्टॉक आते हैं, बट मैंने पेंट करवा रखा था गन मेटल, तो ये जब उन्होंने टायर बदला ना तो उस टाइम पे देखो भाई पेंट उखड़ गया थोड़ा थोड़ा, तो दूर से तो इतना पता नहीं चलता बट पास से दिखता है। अब यहाँ इस वाले स्टोर में पेंट का है नहीं, नोएडा वाले स्टोर में है, और अपने पास टाइम नहीं है तो अब इसको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा भाई जैसा दिख रहा है। कोई नहीं, खैर वीडियोज वगैरह में तो इतना पता नहीं चलेगा ये। एंड बैग भी देख लो भाई, अच्छे से चमक गया ये पूरा जो हमारा कार्डबोर्ड वाला था। अब इसमें मैं सारे स्पेयर पार्ट्स जो है कल सेट कर लूंगा ताकि अपनी गाड़ी फिर निकलने के लिए रेडी हो। ऊपर तो सूटकेस ही रखने हैं, सारा सामान इनके अंदर आ जाता है जो लूज लूज वाला सामान है। इस बार तो रेडी टू ईट भी ज्यादा ले जाने पड़ेंगे क्योंकि चाइना में हमने 35 डेज रहना है, और चाइना में आपको पता ही है भाई इंडियंस के लिए खाना मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए अपना जुगाड़ लेकर चलेंगे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, पनीर वनीर सब कुछ। बाकी सोहन को भी थोड़ा बहुत कुक करना आता है, तो वो कह रहा था कि कर लिया करेंगे, हम अपार्टमेंट ले लिया करेंगे, उसमें किचन मिलती है, तो कुकिंग शुकिंग अपना चावल रोटी ये सब बना ही लेंगे, तो थोड़ा सा इस बार ना सहारा हो जाएगा सोहन की वजह से, वरना पिछली बार खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। हाँ वो हट गया ना, ठीक है जी। तो मैट भी अच्छे से ड्राई क्लीन करा ना कि के वॉश, क्योंकि वॉश करते तो भाई पानी रह जाता और फंगस आ जाता, बट अब ड्राई क्लीन में सही हो गया। और ये पिलोज और अपने बैक रेस्ट भी सारे के सारे, ये जो अपने स्टोरेज यूनिट्स है ना इसमें सामान ना बजता है क्योंकि लकड़ी है डायरेक्ट, तो अभी क्या कर रहे हैं कपड़ा ना चिपकवा लेते हैं यहाँ पे, ताकि इस पे जो भी सामान रखे और वो अगर उछले उछले तो आवाज ना करे, कपड़े से ना काफी हद तक आवाज और स्क्रैचेस भी नहीं आते चीजों पे, तो ये सही जुगाड़ रहेगा। बाकी ये मैंने माइक्रोफाइबर वाले क्लोथ ले लिए भैया से, रस्ते में अपना गाड़ी साफ सूफ करने के काम आ जाएंगे मस्त एकदम, देख रहे हो। ये देखो भाई बाकी सेरेमिक कोटिंग हो रही है, इस तरह का लिक्विड होता है ग्लास कोटिंग के नाम से, 10H वाला ये 10H वाला है, इसको पहले स्पॉन्ज में डाला जाता है, कितना 2-4 बूंदे, ये देखो भाई इस तरह से। और ये ना एक तरह की हार्ड शील्ड बना देती है शीशे के ऊपर, जिससे कि ना थोड़ी प्रोटेक्शन भी रहती है, स्क्रैचेस भी कम आते हैं, जैसे वाइपर हम चलाते हैं ना तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं शीशे में, बट इस ट्रिप पे आप देखोगे शीशे पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़े हुए मेरे भाई, तो ये सारा कमाल है सेरेमिक कोटिंग का। और प्रोटेक्शन भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, जैसे जो पत्थर वत्थर उड़ते हैं ना छोटे मोटे उनसे बचा लेता है, बट बड़े पत्थरों से नहीं भाई, बड़े पत्थरों से तो अपना PPF ही बचा पाती है, और शीशे के लिए PPF अभी तो आती नहीं है, कोई आ जाए फ्यूचर में तो पता नहीं भाई। अच्छा आती तो अभी भी है बट वो लगती नहीं है, मतलब लग जाती है लेकिन टिकती नहीं है, मतलब क्या क्या बोले जा रहा हूँ भाई मैं, लंबी टिकती नहीं है, उखड़ने लग जाती। बाकी सबसे बढ़िया सेरेमिक करवा लो शीशे में, कई लोग तो गाड़ियों में भी सेरेमिक प्रेफर करते हैं, बट मैं गाड़ियों में आपको हमेशा बोलता हूँ कि PPF करवाओ, एक बार पैसा खर्चो और लाइफ टाइम उसके बाद छुट्टी भाई, फिर दिक्कत ही नहीं आती कभी भी बॉडी पेंट पे, अपने शीशे पे बाकी सेरेमिक है ही। अलॉयज में भी सेरेमिक होता है ना, अलॉयज में भी सेरेमिक होता है, मेरे में हो भी रखा है, बट फिर मैंने उसके बाद पेंट करवा लिया तो अब सेरेमिक करवाने का कोई फायदा ही नहीं। बट भाई साहब गाड़ी देखो यार क्या चमक रही है, मतलब रैप इस बार ना अलग ही लेवल का निखर के आया है, ये जो कलर हमने यूज करे ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, मजेदार भाई कैसी लग रही है गाड़ी जरा बताना।
लिखना कमेंट सेक्शन में। 11 देशों में अभी ये राज करके आने वाली है ऐसी सड़कों पे जैसे 30 देशों में पहले घूमी थी। ये देखो भाई, इस तरह से बिछा दिया पूरा। अब ना आवाज की दिक्कत ना स्क्रैचेस की दिक्कत। अब हम कैमरा का भी लेंसेज वगैरह चाहे तो रख सकते हैं इसमें, बट हम इसमें रखेंगे नहीं। इसमें तो अपना नॉर्मल सामान होगा, कुछ प्लेट बर्तन वगैरह रखने हो या स्पेयर पार्ट्स रखने हो वो इसमें आ जाते हैं पूरे बढ़िया से। और ये स्टोरेज अपनी काम आ जाएगी किसके लिए, जो बड़े वाले स्पेयर पार्ट्स है ना सारे, जैसे एसी फिल्टर एयर फिल्टर वो इसमें भी बिछा दो भैया एक दो, इसमें भी बिच जाएंगे सही रहेगा। और हाँ, कंट्रीज की मैं बात कर रहा था ना भाई, देखो पिछले ट्रिप में भले ही 30 कंट्रीज थी और इसमें 11 ही है, लेकिन इस बार का रोड ट्रिप ना लंबा भी होने वाला है, ज्यादा किलोमीटर भी चलने वाली है और चैलेंजिंग भी ज्यादा होने वाला है। क्योंकि इस बार मैंने आपको बताया ना चाइना से होते हुए निकलना है, तो जो अपना तिब्बत वाला एरिया ना वहाँ के रोड और स्नो वगैरह मिलेगी। पिछली ट्रिप में तो बिल्कुल स्ट्रेट हाईवेज हाईवेज थे, कोई ऑफ रोडिंग नहीं हुई, कोई मतलब बर्फ नहीं मिली, बारिश वारिश मिली थी एक दो जगहों पे, बट इजी था वो। इस बार होने वाला खतरनाक, ऊपर से अकेले चलानी है। पहले तो अभिषेक और मैं दो लोग थे तो आधा आधा चला लेते थे, इस बार ड्राइविंग पूरे मेरे कंधों पे ही है भाई। बट कोई नहीं भाई, यही तो मजे है लाइफ के, अभी कर लेंगे तो कर लेंगे, बाद में फिर 30-35 साल की उम्र के बाद नहीं हो पाती ये चीजें। गुड बाय डर्टी कार, मेरी गाड़ी बड़ी जल्दी डर्टी हो जाती है वैसे तो, बट स्टिल हमारा फर्ज बनता है ट्रिप पे जाने से पहले और ट्रिप पे आने के बाद एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग ना गाड़ी की हो जानी चाहिए। बाकी पूरे इसमें प्रोसेस में खर्चा कितना आता है वो सब आपको मैं एंड में बताऊंगा, पहले होने देते हैं काम सारा। कोटिंग तो रहने ही दो, पीपीएफ करवा देते हैं ना। इसमें भाई जो हेडलैम्प है ना इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मैट नहीं, जो ट्रांसपेरेंट वाली व्हाइट पीपीएफ होती है ना वो करवा रहे, ताकि जो छोटे मोटे पत्थर आते हैं ना उससे भी स्क्रैचेस बच जाएंगे। कर दो भैया ठीक है, एक और ये दो, दोनों जगहों पे पीपीएफ हो जाएगी। और मैंने पूछ लिया भैया से, देखो अभी तो स्क्रैचेस है ना इसमें, ये स्क्रैचेस बच जाएंगे और जो मच्छर वच्छर भी चिपकते हैं ना वो पीपीएफ की वजह से आराम से कपड़े से हट जाएंगे, है ना, उसमें पकड़ नहीं बनती, क्लीन करना थोड़ा इजी हो जाएगा बढ़िया। तो ये भी छोटे छोटे जो बिल्कुल वो, चलो बढ़िया हो गया। ये भी गुड़गांव वाले स्टोर में ना भी ये सही कर लिया, बीच में पार्टीशन बना दिया, तो पीपीएफ का एरिया उधर हो गया और सारा वॉशिंग का एरिया इधर हो गया, तो अब ना टेंशन ही नहीं, सारा पानी वानी आ रहा है करेगा। और पीपीएफ में भी हालांकि वो स्प्रे ऐसा तो लगता ही है बट इतना गीला नहीं होता, तो ये पूरी लेन ऐसे गाड़ी के लिए, मेरे ख्याल 2 या 3 गाड़ियां आ जाएगी इसके अंदर और फिर जो बाकी अंदर के काम है वो यहाँ हो जाते हैं, तो तीनों एरिया सेपरेट हो गए बढ़िया से। नोएडा वाला स्टोर हालांकि काफी बड़ा है, तो जो लोग नोएडा के आसपास रहते हैं वो नोएडा भी जा सकते हैं, बाकी मुझे पास गुड़गांव पड़ता है इसलिए मैं गुड़गांव जाता हूँ। हालांकि लंदन ट्रिप पे निकलने से पहले मैं नोएडा वाले स्टोर पे गया था, क्योंकि अलॉय पेंट करवाने थे ना, बट इस बार तो पीपीएफ उसका सॉरी क्लीनिंग का ही काम था, तो गुड़गांव वाला स्टोर है ये। लो जी लो, पीपीएफ आ गई है अपनी, इससे ना रोशनी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी लाइट है हेडलाइट मतलब वो पूरी रहेगी और प्रोटेक्शन भी हो जाएगी अपने हेडलैम्प की, सही है ना, मस्त एकदम। हालांकि अपनी रोशनी तो मेन ऑक्सिलरी लाइट ही देती है, ZATL की हेडलाइट कुछ खास नहीं है, मतलब जहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रीट लैंप हो उसमें काम चल जाता है, पर जहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा ऐसे अंधेरा है ना वहाँ पे इसकी ये वाली लाइट काम नहीं कर पाती। और फोग लैंप भी कुछ खास नहीं है, तो सबसे बढ़िया अपना ये ऑक्सिलरी से पूरा रास्ता ना दिक्कत नहीं आएगी। अब हेडलैम्प ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्रांड न्यू शोरूम से गाड़ी निकाली हो, देख रहे हो अब पीपीएफ होने के बाद क्या गजब आ रही है लुक, चलो सही है। चलो जी चलो, काम डन, आगे भी पीपीएफ हो गई शीशे में, जो सेरेमिक वगैरह थी वो तो वैसे ही हो गई थी। और टेल लैंप अब आप देख सकते हो भाई, वो पूरा हटवा दिया हमने, वो एक्चुअल में रैप था और अब स्मोक वाला था नहीं इस टाइम पे, तो फिर मैंने कहा पीपीएफ ही कर दो, क्योंकि उसको तो ले जा नहीं सकते थे, पीपीएफ करवा लेते ताकि प्रोटेक्शन बनी रहे। तो अब लुक थोड़ी सी बैक से चेंज हो गई है, पहले अलग ही ब्लैक ब्लैक अच्छा लग रहा था जब ऑल ब्लैक हो गया था ना, अब ये अलग ही मतलब पुराने रूप में आ गई अपनी। बाकी भैया कोई अपनी गाड़ी करवाता है ये सब कुछ चीजें जो जो मैंने बताई, तो क्या खर्चा आएगा? ठीक है, और अगर लेदर कोटिंग कराते हैं तो पर सीट 2500 होती है लेदर कोटिंग। हाँ, इसमें सारी सीट्स पर सीट पे 2500 है, सारी सीट्स कराते तो 2000 है, अगर आपके रखना चाहते हैं 2000 पर सीट है फिर, है ना। जैसे अगर ये 7-सीटर गाड़ी होती तो लगभग आपके 14,000 रुपए लगते, बट अगर 5-सीटर है तो लगभग 10,000 रुपए उसके हो गए, 3500 रुपए पूरी डीप क्लीनिंग, उसमें वॉशिंग इंक्लूडेड है 3500 में, तो 3500 में इंटीरियर एक्सटीरियर सारा वॉशिंग हो जाएगी। और जो सेरेमिक और अपना पीपीएफ है उसकी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, जब मेरी स्कॉर्पियन में हुई थी, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना अनमोल गैराज चैनल पे, वहां पे आपको प्राइस बताया था मैंने पूरा, क्योंकि पीपीएफ के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, तो सस्ती मेरे ख्याल 60-70,000 से शुरू हो जाती है ना जो नॉर्मल इसकी स्कॉर्पियो की 85 से स्टार्ट है, और टॉप वन
टॉप वाली कितने की है? जो परफॉर्मेंस प्लस है उसकी 165 तक जाती है। तो मेरे वाले में तो परफॉर्मेंस नहीं, मेरे में मिड वाली हो रखी है, वो एक 20 या एक 30 की है ना। हाँ परफॉर्मेंस वाली है मेरे में, एक 20 के आसपास की थी। और शीशे वीशे के अपना सेरेमिक अलग है, तो आप आ सकते हो। ये कौन से वाला सेक्टर वाला है? ये 57 सेक्टर 57 डिटेलिंग बोल, और नोएडा वगैरह और भी बहुत जगह पे स्टोर्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, आके ट्रिप से आके मिलते हैं ना। थैंक यू सो मच। चलो जी ठीक है, ओके बाय बाय। गाड़ी का अपना ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बट एक चीज मुझे लेनी है जो मैं कल ही लूंगा भाई निकलते टाइम, इसके वाइपर ब्लेड। वाइपर ब्लेड अभी तक चेंज नहीं हुए, हमने स्पेयर तो रख लिए थे लेकिन महिंद्रा के पास ना वो ट्विन एरो ट्विन वाले नहीं थे, तो ये मेरे को बोश कंपनी के लेने एरो ट्विन आफ्टर मार्केट, वहां से लेके इसके चेंज करवा लूंगा। और एक एक्स्ट्रा मैंने सेट रख ही लिया रस्ते के लिए अगर जरूरत पड़ेगी। तो गाड़ी का पूरा काम सब कुछ ए टू जेड हो चुका है, सिर्फ अब हमारी पैकिंग बची है और सामान इसमें डालना बचा है। वो भी मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि पूरी डीप क्लीनिंग करवानी थी, वरना तो डाल के खत्म करता मैं वो भी। अब इसको लेके निकलते हैं भाई, सारा सामान इसमें सेट करे जल्दी जल्दी चल के। भाई साहब मस्त अपनी गाड़ी चमक गई अंदर से, और ऐसे खुशबू सी आ रही है भाई मस्त एकदम। बट अभी मिट्टी वाले पैर लगेंगे तो मैट तो गंदे होने ही होने हैं। खैर फिलहाल के लिए तो चमक रही है भैया गड्डी मस्त। अरे ये भैया ने ऊपर लगा दिया गलत, हटाना पड़ेगा। यार मुझे ना आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। देखो इस ट्रिप के बाद नो डाउट भाई बहुत फेम मिला है, मतलब काफी लोग जो है वो रुकवा रुकवा के फोटो लेना चाहते हैं, और मैं सबके लिए रुकता भी हूँ नो डाउट, कभी भी मैं मना नहीं करता, चाहे जितना भी लेट हो रहा हूँ कहीं के लिए भी तो मैं रोक लेता हूँ और फोटो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई रात को ना थोड़ा सा मुझे मामला रिस्की रखता है रुकने का, मतलब कोई रोक रहा है भाई मुझे नहीं पता उसके इंटेंशन क्या है, अच्छे है बुरे है। मतलब 99% तो लोग अच्छे ही होंगे भाई, जो अपने को फॉलो करते हैं वही रुकवा रहे हैं। बट बाय चांस किसी दिन मैं जा रहा हूँ और कोई रुकवाता है और मुझे लगता है सब्सक्राइबर है कि फोटो के लिए रुकवा रहे हैं, और मैं रुक जाता हूँ, और एक्चुअल में वो रुकने वाला नहीं, कोई वो हो लूटपाट करने वाले लोग हो, तो रिस्की है। इसलिए मैंने ये सोचा कि यार रात में अगर आप कहीं भी गाड़ी देखो ना, तो भाई एक तो प्लीज कभी भी हाथ देखे रुकवाना मत, जो अपनी जनता है उनको बोल रहा हूं मैं। अब जिनको लूटपाट करनी होगी वो तो वैसे भी रुकवाएंगे ही, और दूसरी चीज अगर आप रुकवाओगे भी यार जेन्युइनली मैं रुक नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए दिल से सॉरी। दिन में कहीं भी मिलते हैं तो बिल्कुल रुक के फोटो खिंचवाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन रात में कहीं नहीं भाई। हाईवे हो, सिटी हो, कहीं भी हो, सुनसान एरिया हो या ना हो भाई, पर प्लीज मत रुकवाना ठीक है, रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी हम नेपाल तक जाएंगे ना, देखो दूसरे देशों में तो अपने को इतने जानते नहीं है लोग, तो कोई रुकवाता भी नहीं है, पर इंडिया में अब ना बहुत फॉलोइंग बढ़ गई है, तो काफी लोग एक्चुअल में रुकवाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेपाल जाते वक्त जैसे रस्ते में 2 दिन हमें इंडिया में ड्राइव करनी है, उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं। नेपाल में भी ऐसे बहुत सब्सक्राइबर्स होंगे, तो अगर कोई नेपाल से भी देख रहा है उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई, दिन में रुकवा लो, कोई नहीं रुकेंगे फोटो लेंगे, बट रात में नहीं। ओके थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ना भाई हल्दीराम की वेबसाइट से रेडी टू ईट मंगवाए हुए थे लगभग 150 पैकेट, और मुझे लगा टाइम पे आ नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे निकलना है वो कल परसों में, और वो डिलीवरी डेट उसमें कुछ दिखाई नहीं रहा था। बट अभी अभी फोन आता है डिलीवरी वाले भाई साहब का कि आपका पैकेज आ गया, 5 डब्बे आए हैं फूड के। तो मैंने कहा फिर तो वही है पक्का, शुक्र है चलो भाई टाइम पे आ गया ना, वरना दिक्कत हो जाती। ये देखो जी हल्दीराम की तरफ से पूरे पैकेट आए, नागपुर से आता है इनका ये जो पूरा स्टॉक है ना, 4 डब्बे आ गए, 1 डब्बा और आ रहा है, 150 पैकेट है, तो मेरे को लग रहा है एक में ना 30 पैकेट का पैक होगा। नहीं यार ये तो 20 का ही पैक है, फिर कैसे 100 ही पैकेट हुए, तो मैंने तो 150 मंगवाए थे, शायद इसमें ज्यादा होंगे। और ये जो आप इतने सारे कुरियर देख रहे हो ना, ये भाई सारे के सारे गाड़ी के प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम अनबॉक्सिंग और गाड़ी में सेट अगले व्लॉग में करेंगे। तो जो फाइनल प्रिपरेशन का व्लॉग होगा हमारा, उसके बाद हम भाई फाइनली निकल ही जाएंगे ट्रिप के लिए, तो अगला वाला व्लॉग जरूर देखना भाई, सब क्या क्या तैयारी है ना गाड़ी की, वो सब बताया उसमें। तो यार अभी पता चला कि जो ये वाले भैया थे इनके पास सिर्फ 5 ही डब्बे हैं। अभी मेरे पास एक और मैसेज आया, यानी कि और कुरियर आ रहे हैं इनके हल्दीराम के, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 या 3 डब्बे और होंगे अभी, तभी हमारे पूरे 150 पैकेट होंगे। इस बार सारी वैरायटी मंगवाई है मैंने, क्योंकि भाई चाइना में खाना मिलेगा नहीं, और 35 दिन रहना चाइना में जैसे कि आपको बताया, तो इसलिए रेडी टू ईट तो ले जाना जरूरी था। अब ट्रिप में टेंशन नहीं रही, ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया, बस ये हल्दीराम के जो बचे हुए डब्बे है वो भी आज आ जाए। गाड़ी में मैं शाम को सारा सामान फिट कर लूंगा मस्त एकदम। गाड़ी भी मैंने घर में ही लगा दी है, प्लॉट में नहीं लगाई वहाँ पे, क्योंकि सामान सेट करना है ना। अभी फिलहाल ये जितने भी फट्टे बलिए ये चले जाएंगे, वो मलबा उठ जाएगा, तो ये जो सरिया पड़े है ना ये यहाँ से सारा कुछ यहाँ शिफ्ट कर देंगे। फिर मैं गाड़ी को थोड़ा और
अंदर करके पीछे से सारा सामान इसमें लोड करना शुरू कर दूंगा। सामान लोड करके गाड़ी वैसे भी बाहर खड़ी नहीं कर सकते, घर के अंदर ही रखनी पड़ेगी रात को, और फिर सीधा अगले दिन लेके ट्रिप पे निकल जाएंगे। रोहन भाई वेट कर रहा है लेजर वैली ग्राउंड में पिछले 25 मिनट से। मैं तो टाइम से निकला था, रस्ते में 5 बार रुकवा चुके हैं लोग मुझे फोटो के लिए, और सबके लिए फिर गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है साइड लगा के फोटो। तो मतलब समझ लो एक बंदा भी अगर रोक रहा है तो 5 से 8 मिनट जाते हैं, और 5 बार रुक चुका हूँ तो 30-40 मिनट जा चुके हैं। अभी एक और भाई पीछे आ रहे हैं बाइक पे, वो भी कह रहे हैं रोको। मैंने कहा भाई अब लेजर वैली ना आने ही वाला है, अब प्लीज आप आ जाओ, मेरे को मत रुकवाओ, क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी हो गया बेचारा, वो रोड पे खड़ा हुआ जब से। तो अब भाई को ही हमने बुला लिया, ये रे भाई अपने ये पीछे आ रहे बाइक पे, आ जाओ बिना हेलमेट के आ रहे हैं भाई। एक तो चलान होगा इनका पहली बात तो। लेजर वैली पास ही है यहाँ से, बस नीचे राइट मुड़ते ही अपना अंडरपास क्रॉस करेंगे आ जाएगा। तो थोड़ा सा भाई को कष्ट दे रहे हैं, बट इससे हमारा भी थोड़ा सा टाइम बचेगा और भाई को भी फोटो मिल जाएगी अच्छे से। लो रेड लाइट है वैसे तो लंबी, यहीं पूछते हैं भाई को अगर यहीं फोटो ले लेगा तो। यहीं ले लो, यहीं मैं यहीं ले लो। कहाँ से हो? गुड़गांव से ही हो? सारी वीडियो देख रहे हो? बढ़िया चलो सही है जी। चलो भाई के भी 1-2 किलोमीटर बच गए। कोई नहीं भैया, चलो ठीक है जी, ओके बाय बाय टाटा। हाँ ब्लॉग में आओगे? चलो जी ग्रीन बत्ती हो गई अपनी भी, निकलते हैं। ओके जी बाय बाय। फोन पे तो सोन कह रहा था यही कहीं पे है, पर कहाँ खड़ा है? पेड़ के नीचे खड़ा होगा शायद से, ये रहा। क्यूटी उड़ा दिया सोहन को। चलो जी चलो आजो, देख कैसे देख रहा है, देख शर्म आ रही है, हैं? आ रही है शर्म, आ रही है नहीं आ रही? आ रखा है मुझे 1 घंटे से वेट। 5 बार रुका हूँ मैं रस्ते में, लोग इतने मिल रहे हैं, क्या करूँ, मेरी गलती है बताओ। मेरी गलती है बस, अब क्या करें इसमें ये। नहीं नहीं भाई, सबका प्यार है वो अलग बात है, बट देख लो भाई लेट हो जाते हैं तो हमें गालियाँ सुननी पड़ती है, क्या कर सकते हैं, कोई है ही नहीं ऑप्शन। तो अपना वही भाई पुराना अड्डा जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, उसके पीछे की पार्किंग है ना, वहाँ पे इस टाइम पे शांति होगी, क्योंकि अभी दोपहर के 1:30 बजे है तो इस टाइम पे ज्यादा लोग आते नहीं है, शाम को आने लग जाते हैं फिर वहाँ पे ना गाड़ी वाले लोग जो शूट करने के लिए, और फिर उसके बाद 5 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है आजकल। खैर 5 तो नहीं बजेंगे, मुझे यहाँ पे एक एपिसोड 1 शूट करना है अपनी इस ट्रिप का, जो मैंने लंदन ट्रिप में भी किया था। पिछली बार मैंने ना घर में रूम में बैठ के किया था पूरा एपिसोड शूट, की रूट क्या है, कितने दिन का प्लान है, कितने किलोमीटर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इस बार मैंने सोचा कि गाड़ी रेडी है अपनी, रैप हो रखी है, तो गाड़ी के सामने खड़े होके करेंगे मजे से ना आउटडोर शूट, आपको भी इंटरेस्टिंग लगे वीडियो, ठीक है जी। तो वो एपिसोड 1 शूट करना है, एक ऑफिशियल रील शूट करनी है मुझे, जिसमें मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, जैसे पिछली बार करी थी भाई, 15 मिलियन व्यूज आ गए उस पे इंस्टाग्राम पे, तो वैसे ही एक और बनाते हैं। अरे यार यहाँ तो लोग हैं, देखो लोग तो है, अब ये लोग ना शूट नहीं करने देंगे अगर ये मेरे को जानते होंगे तो। ये लोग बार बार आएंगे मेरे पास, और फिर समझ रहे हो ना थोड़ा सा टाइम जाएगा अपना, ठीक है अब कुछ कर नहीं सकते, जो है यही है। चलो लो जी लो अपनी गाड़ी सेट हो गई है, पीछे पेड़ पौधे किंगडम ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पे अपना मोबाइल माइक लगाते हैं और शूट शुरू करते हैं, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। चलो भाई अपना शूट हो गया, यहाँ पे अपने कुछ भाई मिल गए हैं, तो उनके पास ना एक कैब है, तो मैंने केशव कह रहा हूँ सोहन को बिठा दिया कैब में, और हम जा रहे हैं भाई बिमरा 4x4 जो हाईवे है ना अपना दिल्ली वाला, उसमें क्या है सोहन उनकी गाड़ी में बैठ के रनिंग शॉर्ट्स ले लेगा अपनी इस गाड़ी के, तो मस्त भाई मजा आएगा, मजा। बढ़िया बढ़िया शॉट्स आ गए हैं, डन हो गया सीन। बाकी ये भैया थी जिनकी गाड़ी थी, धन्यवाद भैया गाड़ी के लिए, और साथ में भैया के एक और भैया है जो अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, और भैया ने ना भाई अकेले ने 10 लाख पेड़ इंडिया में लगा दिया ऑलरेडी, तो पूरा पूछते भैया से कौन है, कैसे ये सब आइडिया आया। नमस्कार भाई साहब, मैं देवेंद्र यादव निवासी पोलादपुर अलवर राजस्थान से हूँ। सन 2014 से मैंने अब तक 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं, और इस पर्यावरण के मुद्दे पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, और एक 7 राज्यों की साइकिल यात्रा भी की है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए। स्वामी रामदेव जी ने मेरे को हरी झंडी दिखाकर ये यात्रा का शुभारंभ किया था, और लास्ट 7 राज्य घूमकर इंडिया गेट में आया था। अभी आप लोगों के सबके प्यार आशीर्वाद से 10 लाख पेड़ मैंने कम्प्लीट कर लिए हैं, अभी मैं रुका नहीं हूँ, अभी भी अनवरत मेरा कार्य जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आपसे उम्मीद है आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहेगा,
तो और आगे मैं कोशिश करूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैया, ऐसे ही करते रहो। और जो पोल्यूशन फैल रहा है उसका सोल्यूशन यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और ज्यादा से ज्यादा अपना एनवायरमेंट को क्लीन रखो। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जिंदगी बचाओ, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना है। बिल्कुल जी, तो मेरी तरफ से सपोर्ट है। बताओ पर्यावरण प्रेमी, ठीक है, इंस्टा आईडी बता दो। मेरा डीके कॉमेडी 245 पे यूट्यूब मेरा चैनल है। ठीक है जी भाई, को सपोर्ट करो जाके। ओके जी भाई। मेरा 4x4 प्रताप भैया आ रहे हो। और ये भैया कैसे हो भैया? बढ़िया, बताओ। बढ़िया, बढ़िया लगी ट्रिप? बहुत बढ़िया। अब ऑस्ट्रेलिया वाली फॉलो करनी है पूरी, हैं? चलो जी, तो अपने वही है, तीन काम है। जैसे कि मैंने बताया भाई, चाइना से अपना रूट निकल रहा है तो बर्फ मिलेगी, तो वहाँ के गाइड ने बोला है स्नो चैन जरूर कैरी करना। हालांकि हमारी गाड़ी प्रॉपर 4x4 SUV है तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट स्टिल हम फिर भी ले जा रहे हैं भाई कि इन केस पड़ी तो हम लगा लेंगे। दूसरा अपना ये देखो ना, ये जो रैक है ना ऊपर का, इसमें जेरी कैन लगता है, तो ये ऊपर के पेच तो हमारे बचे हुए, लेकिन इस तरह का ना एक माउंट आता है इसका, जिससे कि ना ये निकलता नहीं है। तो ये हमारा ईरान में खो गया था ना, वो मेरे को लेना है एक, ताकि अगली ट्रिप में दिक्कत ना हो और हम फ्यूल भरवा के इसको यूज़ कर सकें। और तीसरी चीज़, ये जो रैक है इसके भी सारे नट बोल्ट अच्छे से टाइट करवा लेते हैं। वैसे तो 5 महीने में कुछ दिक्कत नहीं हुई भाई हिलानी, बट इस ट्रिप पे काफ़ी ऑफ रोडिंग वाले रास्ते भी आने वाले हैं, पहाड़ी इलाके भी है, तो हिल सकता है, इसलिए जाने से पहले टाइट वाइट करवा के जाएंगे ताकि दिक्कत ना आए अपने को। तो फटाफट काम करवाते हैं भाई, क्योंकि आज आज का दिन बचा हुआ है, कल तो सारा सामान इसमें सेट करना है, गाड़ी से रिलेटेड कोई काम नहीं हो पाएगा कल। इसके आज वो भी लेकर आने हैं वाइपर भी, बोश कंपनी के मैंने बताया था ना, तो बस ये दो काम बचे हैं, ये दो काम हो जाएंगे, फिर गाड़ी का काम अपना खत्म, हम अपने शूट्स और अपना पैकिंग शेकिंग शुरू करेंगे जी। तो भाई अभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सारा गाड़ियों का काम होता है, पीछे ही है ना इसका, बैक साइड ही है वो, तो वहीं पे अपना काम हो जाएगा। स्नो चेंज तो बनी बनाई होगी, टाइम नहीं लगेगा ना, माउंट कैसे बना रखा है, बनेगा अभी चेक कर लेंगे, रेडी होंगे, रेडी होगा ना, कल भैया ने कहा था रेडी करवा के रखा, मुझे नहीं बताया, हो सकता है अमन भाई को बताया। अच्छा चलो ठीक। ये देखो भाई, ये वो प्रोडक्ट था जिसने हमें पूरी ट्रिप में ना परेशान किया खोने की वजह से, अगर ये उस टाइम पे हमारे पास होता तो कितनी सहूलियत हो जाती। चलो बढ़िया, लगा दो भैया, इस बार थोड़ी अपग्रेड है क्वालिटी, है ना, पहले से अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। हाँ लगा दो भैया। देखो भाई ये चेन आ गई है कुछ इस तरह से, है बहुत भारी है ये, एक टायर की है चेन, तो भैया अभी लगा रहे हैं, एक बार लगा के पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर मैं समझ लूँगा कैसे फिट करते हैं, ताकि क्योंकि उस वक्त तो भाई मेरे को ही लगानी पड़ेगी ना, यहाँ से लगा के थोड़ी ले जाएंगे पूरा चाइना तक। चलो देखते हैं क्वालिटी, तो मैंने पूछा भैया अगर सही है, टूटेगी नहीं जल्दी से, तो बढ़िया सर। बट अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे ना भाई, तब तक समझ नहीं आएगा, तो पूरा खुद से करके देखते हैं तभी पता चलेगा। हाँ बताओ भैया, ये पूरा खुलेगा? हाँ पूरा खुलना पड़ेगा, यहाँ पे इसका लॉक है, इसको अंदर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ऐसे निकालना है, ये चीज जो है ना ये पीछे रहेगी बिल्कुल टायर पे, ठीक है, इसको बराबर करिए। सेकंड वाला, सेकंड वाला आगे, फर्स्ट वाला आगे, मैंने ये बराबर कर लिया। अब इसमें से निकालो, नहीं निकालो कैसे फसा दो, इधर वो स्ट्रेस हो जाएगा, डायरेक्ट ही लगा दे इसमें, डायरेक्ट लगा सकते हो, लूज रहेगा थोड़ा सा, लूज रहेगा तो।
चलो भाई अच्छे से दो तीन बार लगा लगू के देख लिया है, मेरे को भी अच्छे से आ गया। अब ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं होगी, खुद से सेट कर सकते हैं। दो लोग होंगे तो ज्यादा इजी रहता है, बट अकेला बंदा भी सेट कर सकता है, ऐसी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी प्राइस की बात करें तो एक सेट जो है ना, मतलब दो चेन का, वो 9000 समथिंग का है। तो दोनों सेट लोगे चारों टायर के लिए तो अराउंड 18000 रुपए का आपको पड़ेगा। बिमरा 4x4 गुड़गांव में है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है सारी। अब चलो लेके निकलते हैं, इसके वाइपर उठाते हैं रस्ते से और डन काम फिर हमारा। चलो जी चलो, बहुत बैंड बजी बड़ी, अभी ऑफिस जाके भाई चार शूट करने हैं। हालत टाइट चल रही है थोड़ी सी, बट कोई गल नहीं भाई, खत्म करते भाई ब्लॉग को, बहुत लंबा ब्लॉग बन गया है। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्ते पे नहीं पड़ना, बाय।